साल का पहला दिन है और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ वांग ताई सिन में। वांग ताई सिन क्या है, क्या इसके पीछे का राज है, सब कुछ आज पता चलेगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे जहाँ मैं आज जाने वाला हूँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे लगा कोविड सिचुएशन को देखते हुए मैं जल्दी चला जाता हूँ और मैंने फर्स्ट डे को ही वहाँ जाने का फैसला किया। वांग ताई सिन वैसे तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का नाम है हांगकांग में, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे राज भी छुपे हैं। दरअसल ताओवादी देवता हैं वांग ताई सिन, जिनको हुआंग डेक्सियन के नाम से भी जाना जाता है। वांग ताई सिन जो हैं ये चाइनीज एक देवता हैं जिनको पावर ऑफ हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले एक सामान्य इंसान हुआ करते थे जिनका जन्म 320 सेंचुरी में हुआ था। वांग ताई सिन बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और मात्र 8 साल की उम्र में वो चरवाहे बन गए, यानी कि वो भेड़ बकरियाँ चराते थे। जहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ वगैरह चराने जाते थे उस जगह के लिए बोलते थे रेड पाइन माउंटेन। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई एक साधु संत से जो कि ताओजिम को प्रैक्टिस करते थे। माना जाता है कि ताओजिम को अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप इमोर्टल बन सकते हो, यानी कि आप अमर हो सकते हो, और अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपकी बहुत अच्छी लाइफ, वेल्थ, हेल्थ से लेके सब कुछ ऑसम हो जाएगा। तो इसी तरह जो साधु वहाँ पे थे उन्होंने वांग ताई सिन को बताया पूरा ताओजिम के बारे में कि कैसे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ताओजिम को अपने जीवन में अपने आप को और अच्छा बना सकते। इस तरह वो प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते, और बोला जाता है ऐसा कुछ कि 40 वर्ष के बाद उन्होंने पत्थरों को भेड़ों में भी कन्वर्ट करने में वो सक्षम हो गए थे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी पावर से सब लोगों को हील कर दिया और जिसकी जो इच्छा थी सबकी इच्छाएं पूरी भी की। इस तरह से उनके बहुत सारे शिष्य हुए और साथ साथ में उन्होंने सबको बताया कि ताओजिम के थ्रू आप किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हो। कहा जाता था कि जो भी उनके पास आता था उनके पास हर एक चीज का सोल्यूशन था, वो सब कुछ ठीक कर देते थे। तब से लेके और अब तक सबके सब वांग ताई सिन को एक इमोर्टल अवतार मानते हैं भगवान का, जिनको कि आप कभी भी दिल से याद करो तो हमेशा आपको पावर्स देंगे, आपको हील कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं वांग ताई सिन को। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हांगकांग से, और मैं आज आ रखा हूँ यहाँ पे वांग ताई सिन टेम्पल। वांग ताई सिन स्टेशन यहाँ पे है, इधर आपको आना पड़ेगा, बीटू साहब एग्जिट लेना और ये डायरेक्टली पहुँच जाओगे मेन प्रवेश द्वार में। जैसा कि हम लोग केदारनाथ टेम्पल को बहुत ज्यादा पूजते हैं भारत में, वैसे यहाँ के लोग इस जगह को बहुत ही ज्यादा मानते भी हैं। इसका नाम है और वांग ताई सिन ये जगह है जहाँ पे हम हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोग हिंदुइज्म में केसरिया को बहुत ज्यादा पूजते हैं, उसी तरह से यहाँ के लोग लाल रंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। प्रेयर स्टिक्स होती है बेसिकली, तो उनको लेके आप यहाँ जा सकते हो अंदर, वहाँ पे प्रेम मांग सकते हो। उसके बाद आपको नीचे घुटने टेक के आपको पहले विश मांगनी पड़ेगी, देन यू हैव टू जस्ट शेक इट, और जो भी सीख बाहर निकलती है तो वो फॉर्चून में काम करती है। तो कोई ना कोई बंदा चाहिए आपको जो आपको फॉर्चून टेल कर सके, यानी कि जो आपका भाग्य बता सके, तो वो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हिस्ट्री है जगह की, इतने सारे लोगों की यहाँ पे विश पूरी हुई है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया। चलो चलते हैं अंदर, दिखा के आपको सब कुछ। जब आप इस टेम्पल के अंदर आएंगे तो आपको दिखेंगी बहुत ही प्यारी, खूबसूरत बहुत सारी दुकानें, जहाँ पर कि रंग बिरंगी चीज़ें हैं जो कि आप अपने घर पर लेके जा सकते हैं, इवन आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। जब आपको विश मांगनी हो तो भी आप इसको अंदर लेके जा सकते हो और चढ़ा सकते हो। मंदिर के बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है और स्पेस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। चाइनीज़ न्यू ईयर में तो यहाँ पर पाँव रखने की तक जगह नहीं होती। यहाँ पर हांगकांग में हर जगह आपको चाइना के झंडे के साथ साथ आपको हांगकांग का फ्लैग भी दिखेगा। चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर के एंट्रेंस में आपको को दिखेंगी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, वो भी दोनों तरफ, गेट के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। माना जाता है कि ये मंदिर के प्रोटेक्टर हैं और इनको बोलते हैं फू डॉग लॉयन स्टैचू, जो कि हैं रक्षक इस मंदिर के। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर ली है मंदिर के अंदर और ये हैं वॉरियर गॉड जो आप स्टैचू देख रहे हो सामने की तरफ। तो यहाँ पे एक यंग यंग शाइन है जो कि वॉरियर जो है बेसिकली उस स्टैचू के आगे की तरफ है, जो ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जीज को। पॉजिटिव एनर्जीज होती जो है और जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उन दोनों को ये बैलेंस करते हैं, इसी का साइन माना जाता है। आपने देखा होगा जो पांडा है उसको बहुत ज़्यादा पूजा जाता है जो कि ब्लैक और वाइट, तो ये चाइनीज फिलोसफी का एक बहुत ही बड़ा एक साइन आप मान सकते हैं इसको। अब एंट्रेंस इस तरफ से है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आगे दिखाते हैं आगे।
बेसिकली ये सारे जोडियक साइन है जो चाइनीज जोडियक साइन होते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा कल्चर में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मतलब बहुत क्लोजनेस है इसमें भी, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं कि पुनर्जीवन पे यानी कि री इंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं। तो जैसे हमारे इसमें जब किसी बच्चे का जन्म होता है हिंदुज़म में तो हम लोग उसकी जन्मपत्री बनाते हैं, देखते हैं कि इसका भाग्य कैसे रहेगा, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, चाइनीज़ लोग क्या करते हैं बेसिकली उसकी भी एक कुंडली बनाई जाती है। बट इसमें ये भी होता है कि आप पिछले कुछ जन्मों में, पिछले 3 जन्मों में क्या क्या आप बने थे ऑलरेडी और क्या क्या आपने गलतियाँ की थी, और ये लोग इसीलिए टेम्पल आते हैं ताकि वो चीज़ दोबारा इनसे कोई गलती गलती वगैरह ना हो। ये सब ये लोग काफ़ी इन सब चीज़ों को बिलीव करते हैं। और ये पीछे की तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास मन्नत के धागे हम लोग मंदिर में जाके बांधते हैं, वैसे यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे ताकि जो उनकी विशेज हैं वो पूरी हों। तो जो भी आप इनसे मांगोगे वही आपको मिलेगा, ये इनका कॉन्सेप्ट है। एंड ताओइज़्म इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आप को किस तरह से परफेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने आप का कल्टिवेट करके अपने आप का अपना नेचर अपना हर चीज़ एक टाइप से लाइफ स्टाइल है जीने का, जीने की कला है जिसपे कि लोग बिलीव करते हैं। बाकी टेम्पल का मेन पार्ट आप देखते हैं, यहीं हम जाते हैं आगे और आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे थे अगरबत्तियाँ वगैरह लेके, जो कि हम लोग नहीं लेकर आए थे, तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा। हमारे हिंदू धर्म में राशिफल देखना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इसके अनुसार अगर आप कार्य करें तो सही टाइम पर सही फल मिल सकता है। 12 राशियाँ हैं टोटल मिला के हमारे हिंदुज़म में, उसी तरह से चाइनीज़ में भी 12 राशिफल होते हैं। अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो 12 राशिफल हैं चाइना में जो कि बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है लगातार 12 साल के अंतराल में। और हाँ, मैंने भी यहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाई, वो भी आप ज़रूर देखना, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको। तो बस मैं मंदिर गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं अभी जस्ट यहाँ नियर बाई यहाँ पे मॉल है, वहाँ से मैं एक यहाना मसूबी करके एक आउटलेट है जापनीज आउटलेट जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी होती है, वहाँ से एक मैं कॉफ़ी लेके आया और साथ साथ में एक ओमसूबी एक यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का एक राइस के साथ एक ये कुछ मतलब वेगन ऑप्शन हैं वो मैं लेके आया हूँ। बाकी ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो देखते हैं कैसा होता है। पहले तो कॉफ़ी है, तो ये है मिल्क कॉफ़ी, इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है। ये कॉफ़ी ऐसे कि बिना शक्कर वाली चाय जैसे होती है, बिल्कुल वैसा हो रहा है, बहुत ही कम बहुत लाइट शुगर इसमें। यहाँ ज़्यादा जितनी कॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं या ग्रीन टी होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम ये लोग शुगर यूज़ करते हैं, ऐसे टेस्ट हो रहा है इसका। और ये पिकल प्लम फ्लेवर है बिस्किट इसका। चलते हैं ब्रेक के बाद। यार कुछ फुटेज इस ब्लॉग के डिलीट हो गए पता नहीं कैसे, बट देखते हैं कैसे ठीक होगा। इस वीडियो का शाउट आउट जाता है कुसुम राणा जी को, जो कि लिखते हैं कि भाई प्लीज़ पुणे की तरफ भी आना जरूर, और हम पक्का कोई दिक्कत नहीं, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बहुत सारे आप कमेंट्स करना, आप लोग क्या सोचते हैं यार इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि ताओइज़्म के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी आप बताना, और डिफरेंट कल्चर को देखना उस चीज़ के बारे में जानना वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरा तो ये मानना है कि जो कल्चर में कुछ अच्छा ही है उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ अच्छी है तो, है ना, बाकी बुरी चीज़ों को तो हम लोगों को नेग्लेक्ट करनी चाहिए, बट देखो हर जगह बुरा अच्छा तो चलते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे जरूर कि किस तरह से मैंने अगरबत्ती जलाई और वो जो मेन मेथड था जिससे कि हम लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं कैसे, वो सब कुछ होगा वो जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बाय।